वीडियो शुरू करने से पहले एक नोट, बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर कीजिए प्लीज़। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड आज की वीडियो में फिर से हम न्यू मांगा को कंटिन्यू करने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आगे क्या होता है, गोकू और वेजिटा प्लैनेट नेमक पर पहुंच जाते हैं एंड मोरो वहीं पर होता है। एंड मोरो गोकू को देखकर कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है एंड ये वही एनर्जी है जिसका मेरे को बहुत सालों से वेट था। एंड गोकू और वेजिटा वहाँ पर प्लैनेट नेमक वासी जो होता है उनसे कह देता है, यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, जितना दूर तुम हो जा सको उतना दूर चले जाओ मोरो से बचकर। एंड फिर वेजिटा भी सेंस कर लेता है कि मोरो की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अजीब है। फिर मोरो को देखकर ये साफ पता लग जाता है कि मोरो बहुत ज़्यादा बूढ़ा है। एंड गोकू मोरो से कहता है कि यहाँ से वापस लौट जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मोरो कुछ नहीं कहता, वो छुप खड़ा रहता है। फिर हम देखते हैं कि जो फ्रीजा का सोल्जर होता है उसको वेजिटा को देखकर उसकी हवा टाइट हो जाती है। एंड उसके बाद दिखाया जाता है अगले सीन में कि एक नेमिक बच्चा जो है वहीं पर रह जाता है, वो भाग नहीं पाता। एंड मोरो उसको एक मैग्नेट, जैसे उसका हाथ है, मोरो अपना हाथ करता है और मैग्नेट की तरह यूज़ करता है, उस बच्चे को अपने हाथ में ले लेता है और उसे पकड़ लेता है। फिर उसके बाद मोरो उस नेमिक बच्चे का गला घोटने लगता है एंड वेजिटा तुरंत उसको एक लात मारता है एंड नेमिक बच्चे को बचा लेता है। एंड गाइज, हाँ, ये वेजिटा ने ही किया है, गोकू ने नहीं। देखकर बहुत ज़्यादा अजीब लगा, मेरे को भी पढ़कर बहुत ज़्यादा अजीब लगा था कि वेजिटा ने एक नेमिक की जान बचाई, और नेमिक की जान, उस बच्चे की जान मतलब ऐसे बचाई कि उससे एक लात मारी, उसको आराम से गोदी में लिया, आराम से नीचे लैंड किया एंड जब तक उस पर नज़र रखता रहा कि जब तक कि कोई और बड़ा नेमिक वासी उस बच्चे को वहाँ से ले नहीं जाता। फिर मोरो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना छीनने की और उसे बचाने की। तो फिर वेजिटा कहता है कि मेरा पास जो नेमिकिन्स के साथ कुछ अच्छा नहीं है, मैंने उनको बिना मतलब के मारा है, लेकिन अब मैं उनको बचाऊंगा। और हाँ, वो तुम्हारा खाना नहीं है मोरो। फिर वेजिटा कहता है, क्या करो, अब मुझे इसको देखने दो। एंड फिर वेजिटा सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होके मोरो से लड़ने लग जाता है। एंड मोरो सुपर सैयन वेजिटा के अटैक्स को बहुत आराम से डॉज करता है पहले तो, लेकिन वेजिटा उसमें उसके एक एक नसीब कर ही देता है, चलो भाई कुछ तो हुआ। एंड उसके बाद जो है मोरो अपनी मैजिकल पावर्स को यूज़ करता है एंड वेजिटा की बॉडी को लाइक हिप्नोटाइज कर इधर उधर फेंकता रहता है। जब मोरो वेजिटा को उठा के पटक रहा होता है, पहले उठाता है, फिर नीचे गिराता है, उठाता है, नीचे गिराता है एंड एट लास्ट वो पहाड़ पर दे मारता है। अब गोकू कहता है, ओहो मैजिकल पावर्स, हाँ, तो फिर अगर वेजिटा पिट रहा है तो वो क्या करेगा। जी हाँ, आपने सही गैस किया, वो टर्न हो जाता है सुपर सैयन गॉड में। एंड उसके बाद वेजिटा जो है मोरो से फाइट करने लग जाता है एंड वेजिटा की स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और मोरो के जो मैजिकल पावर्स है वो वेजिटा को नहीं कुछ कर पाती, बिकॉज वेजिटा की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि मोरो वेजिटा को कुछ नहीं कर पाता। फिर जब वेजिटा सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म होता है तो फिर वो मोरो को एक लात मारता है एंड मोरो उसके बाद अपनी अजीब सी मैजिकल पावर्स यूज़ करता है, एक पेड़ को उखाड़ता है और वेजिटा की तरफ फेंकता है। एंड वेजिटा सुपर सैयन गॉड क्या करेगा, जी हाँ, एक उंगली लगाई और वो पेड़ रुक गया। फिर उसके बाद मोरो जो है पत्थर उठाता है एंड वेजिटा की तरफ फेंकता है, मतलब अपने मैजिक से पत्थर उठाया वेजिटा की तरफ फेंके। एंड वेजिटा फिर से कुछ नहीं करता, बस अपना हाथ मतलब एक तरह से एक सेंस बॉल बनाता है एंड वो सारे पत्थर नीचे गिर जाता है। एंड वेजिटा मोरो से कहता है, ये सब तो मेरे लिए बचकानी हरकतें हैं, इन सब से मेरा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नया दिखाओ मेरे को। फिर दूसरी तरफ हमें मैरस एंड जैको दिखा दिए जाते हैं एंड मैरस कहता है कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए प्लैनेट नेक पर या नहीं, गोकू और वेजिटा की मदद करने के लिए। तो मैरस सोचता है एंड कहता है कि मुझे नहीं लगता कि गोकू और वेजिटा मोरो को बहुत आराम से हरा पाएंगे, हमें यहीं बैठकर कोई स्ट्रेटेजी सोचनी चाहिए। फिर दूसरी तरफ वेजिटा और मोरो की जब फाइट चल रही होती है तो मोरो अपना कपड़ा जो न पहन रखा होता है, ढक रखी होती है अपनी बॉडी, उसे उतार देता है। एंड मोरो को देखकर बहुत ऐसा लगता है कि इसमें लड़ने की पावर तो बिल्कुल नहीं है, मतलब देख के लगता है बस इसकी मैजिक पावर ही है जो है, वैसे इसकी स्ट्रेंथ मोरो की इतनी लगती नहीं है। तो गाइज, ये चैप्टर 2 जो है वो यहीं ख़त्म होता है। होप श्योर आपको ये अच्छा लगा होगा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। कमेंट्स में बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा एंड इससे जो आगे की स्टोरी है वो हम अगली इससे जो आगे का चैप्टर है सॉरी वो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक के लिए, टिल देन,
bigot.